नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आए दिन घूमते रहता है कि जानवरों के भी भूत होते हैं क्या। और इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर पुराणिक कथाओं की बात कर लो, लोक कथाओं की बात कर लो, और वैज्ञानिकों की बातें भी सुन लो, और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की भी समझ लो, तो हमें यह समझ में आता है कि इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया है। आत्माओं की सच्चाई को तो कोई नहीं झुठला सकता, लेकिन जानवरों की आत्माओं को समझना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी जगह के साथ जो कि एक हॉन्टेड जगह मानी जाती है जानवरों की वजह से। जी हाँ, एक घटना हुई एक परिवार के साथ। कैसे हुई, क्या हुई, इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, और शायद ये भी समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा कि क्या सचमुच में भी जानवरों की आत्माएं हो सकती है। दरअसल ये कहानी जुड़ी हुई एक परिवार के साथ, जो परिवार त्रिपुरा के अगरतला का रहने वाला था। ये लोग भूत प्रेतों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। जब कभी भी मौका मिलता था, एक प्राइवेट गाड़ी बुक करते थे और अपने शहर से दूसरे शहर घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। इन लोगों ने सभी लोगों ने प्लानिंग किया कि सभी लोगों की छुट्टी है, लॉकडाउन का टाइम था। दरअसल उस समय तो लगभग सारे लोगों की छुट्टी चल रही थी, तो ये लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम प्राइवेट गाड़ी बुक करते और त्रिपुरा में ही उदयपुर नाम की एक सिटी है, वहाँ से घूम कर आते हैं। ये इन लोगों का प्लान बनता है कि 7 बजे के आसपास निकलेंगे, बाहर डिनर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और रात में 1-1.5 बजे घर लौट जाएंगे। इनके घर से ये सिटी लगभग यही कोई 60 किलोमीटर के आसपास की दूरी की रही होगी। तो ये लोगों ने अपनी गाड़ी बुक की, टाइम पे गाड़ी आ गई, और ये वैसा वाला सिस्टम था कि ड्राइव आप खुद कर सकते हैं, आपके साथ ड्राइवर नहीं जाता। होता है ना बहुत सारे ऐसे सिस्टम, बहुत सारे रेंटेड कार्स का, तो इन लोगों ने वैसे बुक किए हुए थे। तो जो लड़की है, लड़की का नाम हम रिवील ना करके इसका नाम स्वाति रख देते हैं। तो स्वाति के पिताजी जो थे वो बोलते हैं कि मैं ड्राइव करूंगा। परिवार में स्वाति की माँ, स्वाति के पिताजी, स्वाति की दादी और स्वाति का भाई और स्वाति खुद, इतने लोग मिलके उस गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं उदयपुर घूमने के लिए। बढ़िया घूमे फिरे, मस्त इंजॉय किए, और पहुँच गए एक ढाबे में जो कि उदयपुर सिटी से थोड़ी और दूरी पर था। बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, अपनी स्वादिष्ट फेवरेट चीज़ें बनवाए, और मस्त खाते खाते बातचीत करते करते इन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात के 1:30 बज गए। टाइम नोटिस किए तो पता चला, अरे 1:30 बज चुके। हमने तो सोचे थे कि 1:30 बजे के आसपास अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, इन लोगों ने अब अपनी गाड़ी स्टार्ट की। ठंड का टाइम था तो बाहर कोहरा ना हुआ था। इन लोगों ने सोचा कि धीरे धीरे करके गाड़ी चलाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही बताया, जो ठंड वाला फॉग होता है ये कई बार बहुत ही स्कैरी फीलिंग दे देता है। हाँ, ऐसा लगता है, बहुत बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि कुछ, एक तो धुंधला रहता, दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि भूतिया फिल्मों में देखे सेम वैसा ही दिखा रहा होता है। तो सेम टू सेम वैसा ही माहौल, वैसी ही फीलिंग इस परिवार के लोगों को आ रही थी। पता नहीं क्यों निगेटिविटी सी लग रही थी बाहर का इलाका देखते हुए, लेकिन सोचे घर तो जाना ही है। घर यहाँ से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर था। सभी लोग गाड़ी में सवार होते हैं और पिताजी ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी आगे चलते हैं और आखिरकार एक ऐसे रास्ते में एंटर करते हैं जो रास्ता एक जू को टच करता है। इस जू का नाम है, आप लोगों ने शायद सुने होंगे अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट के, तो जिस जू का नाम था सिपाही जाला जू। दरअसल इस जू के हॉन्टेड होने के कोई पुख्ता प्रमाण कहीं नहीं मिले। हम इस वीडियो के जरिए ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये जू सचमुच में हॉन्टेड है, लेकिन काफी सारे जब हमने न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, लोगों की कहानियां सुने, तो ये समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अजीब अजीब तरह की चीजों को एक्सपीरियंस किया है। अगर लोग करे हैं तभी तो लोगों ने लिखा है, अगर नहीं किसी को एक्सपीरियंस हुआ होता तो ऐसे ही फुकट में अफवाह नहीं फैला होता। बहुत सारे लोग एक टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के आर्टिकल को भी एक हॉन्टेड तथ्य से जोड़ते हुए देखते हैं। दरअसल मार्च 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार यहाँ पर एक रात बहुत सारे जानवरों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 लेपर्ड, 11 पक्षी, कुछ वल्चर्स और अलग अलग प्रजातियों के जानवर शामिल थे। बहुत सारे जानवर एक ही रात में वहां पर मर जाते हैं। पहली रात तो लोग सोचते हैं कि शायद किसी तरह की कोई परेशानी हुई होगी, लेकिन उसके ठीक 4-5 दिन बाद वहां पर और भी कुछ अलग प्रजातियों के जानवरों को लाया जाता है, और उसकी सेम रात बिताने के बाद उन जानवरों की भी बहुत बुरी तरह से तबीयत खराब हो जाती है, इस तरह से कि ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जो कि जानवरों के होते वेट होते हैं, वो चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इन्हें तो कुछ अजीबोगरीब चीज़ हुई है जिसका कारण कोई समझ ही नहीं पा रहा है। उस वजह से इनकी मृत्यु भी हो रही है और इतनी बुरी तरह से तबीयत भी खराब हो रही है। बहुत सारे रिसर्चर्स भी यहाँ पर आए, खोजकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे,
और ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर एक साथ इतने सारे जानवर यहाँ पर रहस्यमय तरीके से मर क्यों रहे। कारण आज तक 11 साल लगभग होते आ गए, समझ में ही नहीं आया। उसके बाद बहुत सारे लोग जब भी यहाँ से सुनसान समय पे गुजरते थे तो अजीब और गरीब चीज़ें फील करते थे, जैसे कि एक बड़ा सा जानवर था जो कि एक औरत में तब्दील हो जाता है, एक बड़ा सा जानवर एक आदमी में तब्दील हो जाता है, फिर उसके बाद चलती हुई गाड़ियों में सवार इंसानों को मारने की कोशिश करता है। कुछ इसी तरह की चीज़ इस परिवार ने भी उस रात को नोटिस किया। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसे ही वो परिवार इस जू के रास्ते को टच करता है तो अचानक से इनकी गाड़ी में कुछ डिस्टर्बेंस इन्हें समझ में आने लगती है। जबकि इस तरह जो ऑनलाइन गाड़ियां आती है ऐप वैप की मदद से, ये गाड़ियां अच्छी चलती है, टेस्ट करके भेजी जाती है ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो। हाँ। तो ये लोग भी जब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे अभी तक, तो इन लोगों को भी 1% की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन फिर क्यों रात के 2-3 बजे के आसपास जब वो लोग इस इलाके में पहुंचे थे तो इन्हें इस तरह की फीलिंग आने लगी थी कि गाड़ी हमारी खराब होने वाली। लेकिन जैसे तैसे ठंड से बने हुए फॉग को चीरते हुए इनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अचानक से इन्हें समझ में आता है कि उस जू के सुनसान रास्ते में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है जिसने एक सेम कलर के कपड़े पहने। कभी वो कपड़े लाल रंग के समझ में आते तो कभी वो कपड़े नीले रंग के, तो कभी पीले, कभी सफेद और कभी काले। एक साथ इतने सारे कपड़ों का रंग बदल जाना थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो औरत गाड़ी की दूरी से कभी 50 मीटर की दूरी बना लेती, कभी 100 मीटर की दूरी बना लेती, तो कभी गाड़ी के एकदम नजदीक आ जाती। गाड़ी रुक रुक के धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए वो औरत को अच्छी तरह से नोटिस कर पा रहे थे। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद हमें समझने में कुछ गड़बड़ हो रही है। सभी लोग आपस में ये चीज डिस्कस नहीं कर रहे थे क्योंकि सबको ऐसा लगा कि शायद हमारा ये वहम हो सकता है। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से गाड़ी बीच सुनसान रास्ते में उस जू के इलाके के सामने रुक जाती है। फिर क्या होता है, वो जो औरत अभी लगभग 80 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही थी वो अचानक से वहां से गायब होकर इनकी गाड़ी के पास प्रकट सी हो जाती है। ये लोग घबरा जाते हैं और सबकी चीखें एक साथ निकल जाती है। और पिताजी की तो मानो सेंस ही हो गया था, क्योंकि वो जहां पर बैठे हुए थे ड्राइविंग सीट में उसी के बाजू वाले कांच के सामने ही वो औरत आकर खड़ी हो गई थी। और पता नहीं वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, दरवाजा जोर से खटखटा रही थी और सभी लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे थे। वो कुछ रिएक्ट कर पाते, गाड़ी स्टार्ट कर पाते, इससे पहले ही वो औरत एक बड़े से जानवर में, एक बड़े से मतलब मंकी जैसे दिखने वाले जानवर में तब्दील हो जाती है। ये साफ साफ बंदर तो नहीं था क्योंकि बंदरों का आकार इतना बड़ा नहीं होता है। उसकी हाइट यही कोई 5.5 से 6 फीट के आसपास की हो गई थी और चेहरे से दिखने में बहुत ही ज्यादा फूकार और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसने इतनी फोर्स से अपना मुक्का बना के गाड़ी की तरफ मारने की कोशिश किया कि उसके एक वार से ही गाड़ी का कांच टूट के चकनाचूर हो सकता था। लेकिन उस समय किस्मत कहो या क्या, ये लोग लगातार भगवान बजरंग बली का नाम लिए जा रहे थे। किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हुई और उसका मुक्का पड़ने से पहले ही तेज रफ्तार के साथ उनकी गाड़ी इस जू वाले रास्ते को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती है। इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ पाता है। साइड में लगे हुए मिरर से और यहाँ पे फ्रंट में लगे हुए मिरर से पीछे देखने की कोशिश जब इसके पिताजी करते हैं स्वाति के, तो उन्हें पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता है। वो आज तक नहीं समझ पाई कि उनके साथ क्या हुआ। वो शांति से घर पर पहुंचे, जब पड़ोसियों से रिश्तेदारों से ये बात की तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोगों ने भी वहां पर कुछ ऐसा फेस किया है, वो रास्ता सचमुच में हॉन्टेड है। आए दिन बहुत सारे लोग जब भी उस जू के रास्ते से गुजरते हैं तो वो कहते हैं कि वहां पर आत्माएं घूमती हैं और वही आत्माएं कारण बनती है वहां पर होने वाली रहस्यमय मौतों का, चाहे वो इंसानों की मृत्यु हो या फिर जानवरों की। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में जो आत्माएं होती है वो जानवरों की भी हो सकती हैं या सिर्फ इंसानों की आत्माएं होती हैं? ये चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जो आत्मा दिखाई देती है ये एक जानवर की है, एक खुखार जानवर की जो एक टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था और मृत्यु के बाद वो एक प्रेत में तब्दील हो गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एक प्रेत ही है जो कि अपना रूप बदल के लोगों को छलता है, जिस प्रकार से छलावा का एक रूप होता है। खैर, मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई जानवर की आत्मा हो सकती है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो मोह बंधन से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद और वो पाप पुण्य के चक्र से भी बहुत ज्यादा दूर रहते हैं और इसीलिए मरने के बाद सीधे सीधे उन्हें मोक्ष या फिर एक नई योनि प्राप्त हो जाती है। वो लोग कभी इस तरह से पिशाच योनि में नहीं जाते। लेकिन क्या आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसा सुना है कि जानवरों की भी आत्माएं होती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम अपने वीडियो के जरिए कुछ भी चीज साबित नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग आप लोगों को वही फैक्ट बता रहे हैं
जो हमें लोगों के द्वारा पता चले, जो इंटरनेट के माध्यम से पता चले। अपनी राय इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह का कोई भी टॉपिक या कहानी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो या टॉपिक आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।